अभी तो लोकसभा के चुनाव कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में याद एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। सर उनका बड़प्पन है, अखिलेश जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो उनका बड़प्पन है। और अभी जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो वहाँ अखिलेश जी से उनकी बात भी हुई थी, अकेले में भी बात हुई थी, और फिर मुख्यमंत्री जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं उनको देखने भी गए थे। तो सभी विपक्षी पार्टियों को अगर एक करने की मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 विधानसभा सीट का राज्य है, अरे लोकसभा सीट का, 80 लोकसभा सीट का राज्य है, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 65 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ विपक्षी एकता की आवश्यकता है, और अगर विपक्षी वहाँ एक हो जाएंगे सभी विपक्षी दल तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ 65 से 15-20 पर गशक के नीचे आ जाएगी। तो